हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो ट्वेल्थ बायोलॉजी एन बुक से को का रहेगा कोडोमिनेंस को सह प्रभाविता भी कहते हैं जिसमें रीड uh, करते हैं पहले टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेज वेयर द एफ वन रिजेंबल्ड आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स डोमिनेंस और वाज इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस अर्थात हमने पढ़ा था कि प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता के बारे में हमने पढ़ा था वट इन द केस ऑफ कोडोमिनस लेकिन सह प्रभाविता को डोमिनंस के केस में यदि हम देखें द एफ वन जेनरेशन एफ वन जेनरेशन जो होती है रिजम्बल्स वोथ पेरेंट्स इसमें दोनों ही जो जनक होते हैं उनके लक्षण प्रदर्शित होते हैं ए गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा उदाहरण मानव में ए बी ओ जो रक्त समूह होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है वो कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा उदाहरण है ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाई द जीन कैपीटल आई ए बी ओ ब्लड ग्रुप जिस जीन के द्वारा कंट्रोल होता है रेगुलेट होता है या नियंत्रित होता है उसे कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज़ शुगर पॉलीमर्स और आर बी सी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं उस पर uh, सरकरा के बहुलक या शुगर पॉलीमर्स होते हैं दैट प्रोट्रूड प्रोट्रूड फ्रॉम इट इज सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज़ कंट्रोल्ड बाय द जीन और ये शुगर पॉलीमर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ प्रोट्रूड यानी बाहर की तरफ निकले रहते हैं इट इज़ सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह से एंड द काइंड्स ऑफ शुगर इज़ कंट्रोल्ड बाय द जीन जो कि जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं द जीन कैपिटल आई हैज़ थ्री एलिल्स ये जो जीन आई uh, होती है कैपिटल आई इसके तीन एलिल्स uh, होते हैं तीन uh, लक्षण कह सकते हैं या तीन रूप कह सकते हैं या तीन फॉर्म कह सकते हैं जो कि आई ए आई बी और स्मॉल आई होते हैं द एलिल्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूज ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर यहाँ पर बताया गया है कि एलिल आई ए और आई वी जो होते हैं वो अपने विशेष प्रकार की आ, आ, जो कि थोड़ा थोड़ा से अंतर पर अपने अपने विशेष प्रकार की शुगर का निर्माण करती हैं वाइल्ड एलील जबकि एलिल स्मॉल आई जो होती है डज़ नॉट प्रोड्यूज एनी शुगर वो किसी भी प्रकार की शर्करा का निर्माण नहीं करती है बिकॉज ह्यूमस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मानव जो होता है वो कैसा प्राणी है कैसा शरीरधारी है तो वो डिप्लॉयड है द्विगुणित होता है ईच पर्सन पसेजेज एनी टू ऑफ थ्री कैपिटल आई जीन एलिल्स और प्रत्येक व्यक्ति में इन तीन एलिलमेंट से कोई दो एलिल उपस्थित होंगे कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेट ओवर इस्मॉल आई यहाँ पर बताया गया है कि जो तीन एल एल होते हैं आई ए आई बी और इस्माल आई तो आई ए और आई बी जो होते हैं वो पूर्णतः इस्मॉल आई पर प्रभावी होते हैं डोमिनेट होते हैं इन अदरवर्ड्स वैन आई ए एंड आई आर प्रजेंट ओनली आई ए एक्सप्रेस जब आई ए और आई क्रॉस करते हैं तब केवल आई ए ही प्रदर्शित होता है क्यों बिकॉज आई डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर क्योंकि स्मॉल आई किसी भी प्रकार की सरकरा का निर्माण नहीं करता है एंड वैन आई बी एंड स्मॉल आई आर प्रजेंट आई बी एक्सप्रेसिस जैसे आई ए और स्मॉल आई में आई ए प्रदर्शित हो रहा था ठीक वैसे ही आई बी और स्मॉल आई में आई भी प्रदर्शित होगा क्यों क्योंकि स्मॉल आई किसी भी प्रकार की सुरक्षा का निर्माण नहीं करता है वो रिसेसिव में चला जाता है वट वैन लेकिन जब कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी आर प्रजेंट टूगेदर दे बोथ एक्सप्रेसेस देयर ऑन टाइप्स ऑफ सुगर्स दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस लेकिन जब आई ए और आई बी आपस में क्रॉस करते हैं तो वो अपने अपने प्रकार को अपने अपने प्रभाव को या अपने अपने रूप को प्रदर्शित कर देते हैं साथ साथ प्रदर्शित कर देते हैं इसलिए इस घटना को सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस कहेंगे तो कोडोमिनेंस क्या है कोडोमिनेंस है जब एलिल आई ए और आई बी अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर देते हैं एक्सप्रेस कर देते हैं तब उसको सह प्रभावी या डोमिनेंस कहते हैं रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए एंड बी टाइप्स ऑफ शुगर क्योंकि उनके पास दोनों प्रकार की uh, शुगर्स होती हैं जो कि ए और बी टाइप की होती हैं देर आर थ्री डिफरेंट एलिन क्योंकि यहाँ पर तीन विभिन्न प्रकार के एलिन्स हैं देर आर सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री एलिन देट आर पॉसिबल और इनके छः कॉम्बिनेशन यहाँ पर संभावित हैं एंड देर फोर ए टोटल ऑफ सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप और जीनोटाइप जो बनते हैं वो छः जीनोटाइप बन जाते हैं ऑफ़ द ह्यूमन एबियो ब्लड टाइप्स हाउ मैनी क्वेश्चन किया गया है हाउ मनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल और यहाँ पर जो जैसे जीनो टाइप तो छः हैं तो फिनोटाइप कितने होंगे तो फिनोटाइप होंगे चार फिनोटाइप कितने होते हैं चार होते हैं इस टेबल के माध्यम से हम समझेंगे टेबल सोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन फर्स्ट टेबल में दिखाया गया है एलिल फ्रॉम पेरेंट वन और सेकंड में एलिल फ्रॉम पेरेंट टू और थर्ड में जीनो टाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग यानी कि में और ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग यानी संतानों में ब्लड ग्रुप तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखाए गए हैं कि जब आई uh, ए और आई ए दोनों का क्रॉस होता है तब जीनो टाइप ऑफ स्प्रिंग में जो निकल के आता है वो आई ए और आई ए निकल के आता है क्योंकि यहाँ पर आई ए और आई ए ए टाइप का शुगर फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बनता है वो ब्लड ग्रुप ए बन जाता है ठीक ऐसे ही जब आई ए आई के साथ में क्रॉस करके जीनोटाइप आई ए और आई बी बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्रकार की शुगर हैं ए बी है और बी भी है इसलिए यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप निकल के आएगा वो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा और ए बी ब्लड ग्रुप ही सह प्रभाविता का कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा उदाहरण है ठीक ऐसे ही आई ए स्मॉल आई के साथ में जब क्रॉस करेगा तो यहाँ का जो जीनो टाइप बनेगा वो आई ए स्मॉल आई बनेगा क्योंकि स्मॉल आई किसी भी प्रकार की शुगर फॉर्मेशन नहीं करता है तो वो रिसेसिव हो जाता है और आई ए अपने आ, टाइप की शुगर फॉर्मेशन करता है जो कि इस पर डोमिनेंट हो जाता है इसलिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो बनेगा वो ए बन जाएगा ठीक ऐसे ही जब आई बी जब आई बी आई ए के साथ में कॉम्बिनेशन करेगा तो यहाँ पर जो जीनोटाइप निकल के आएगा वो आई ए और आई बी होगा क्योंकि दोनों प्रकार की शुगर फॉर्मेशन हो रही है दोनों ही अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर रही हैं तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप ए भी बनेगा ठीक ऐसे ही जब आई बी आई बी के साथ क्रॉस करता है जब आई बी आई बी के साथ क्रॉस करता है तो दोनों ही एक प्रकार की शुगर हैं तो ब्लड ग्रुप बी निकल के आ जाएगा अगली संभावना आई बी जब स्मॉल आई से मिलता है क्योंकि स्मॉल आई किसी भी प्रकार की शुगर फॉर्मेशन नहीं करता है रिसेस होता है इसलिए यहाँ पर भी बी ग्रुप बनेगा क्योंकि बी जो है स्मॉल आई पर यहाँ पर डोमिनेंट हो जाएगा तो ये छह संभावनाएं थी और एक सातवीं संभावना भी बनती है जब ना ए होता है न बी होता है केवल आई होती है छोटी वाली स्मॉल आई होती हैं जब ये आपस में क्रॉस कर जाती हैं जो कि रेयरली केस में होता है तब ब्लड ग्रुप ओ निकल के आता है तब ब्लड ग्रुप कितना निकल के आता है ओ निकल के आता है अब जीनो टाइप क्योंकि ऊपर छः बताए गए थे तो छ जीनो टाइप हैं यहाँ पर जैसे यदि हम यहाँ पर देखें एक तो ये हो जाएगा आई ए आई ए और एक ये हो जाएगा आई ए और आई बी और एक आई ए और इस्मोल आई अब यहाँ पर ये वाला जो है आई ए और आई बी ये इसकी तरह है तो एक गिनती होगी इसकी ऐसे ही आई बी और आई बी आई बी और इस्म आई तो ये कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच और एक कौन सा हो जाएगा इस्मोल आई इंटू स्मॉल आई तो ये छीनो टाइप यहाँ पर हो जाते हैं टोटल संभावनाएं सात हैं लेकिन जीनो के वेरिएशन के आधार पर छह संभावना ही होती हैं क्योंकि आई ए और आई बी एक ही प्रकार के जीनो हैं जिनकी गिनती एक की जाएगी अब ब्लड टाइप जो निकल के आ रहा है यहाँ से ब्लड ग्रुप जो निकल के आया वो ए है यहाँ पर ए बी है यहाँ पर ए फिर ए बी फिर बी वी और ओ लेकिन ब्लड ग्रुप टोटल चार ही होंगे जैसे ए ग्रुप है तो ए यहाँ पर आ गया तो इसकी गिनती एक हो जाएगी ऐसे ही ए बी और ए बी की गिनती एक हो जाएगी ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी और बी की गिनती एक हो जाएगी और ब्लड ग्रुप एक अपने आप में एक है ही तो ऐसे कितने ग्रुप बन जाएंगे तो ग्रुप बनेंगे चार एक होगा ब्लड ग्रुप ए एक होगा ब्लड ग्रुप बी एक होगा ब्लड ग्रुप ए बी और एक ब्लड ग्रुप बनेगा ओ तो इस प्रकार से जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने फिनोटाइप हो सकते हैं तो फिनोटाइप होंगे चार एक दो तीन चार चार फिनोटाइप हो जाएंगे अब चूंकि मानव में जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं लेकिन आर एच फैक्टर के अनुसार जब आर एच और पॉजिटिव की बात आती है तो वो आठ हो जाते हैं जिस ब्लड ग्रुप में आर एच उपस्थित होते हैं तो उसे आ, उसे पॉजिटिव मान लिया जाता है और जिसमें नहीं पाए जाते आर एच फैक्टर उन्हें नेगेटिव मान लिया जाता है जैसे जैसे किसी का ब्लड ग्रुप है ए और उसमें आर एच फैक्टर है तो उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा और किसी का ब्लड ग्रुप ए है और आर एच फैक्टर उसमें नहीं है तब उसे ए नेगेटिव माना जाएगा तो ऐसे करके पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर आठ ब्लड ग्रुप बन जाते हैं वैसे मुख्य रूप से चार होते हैं ये जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप है ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी बहुत अच्छा खासा उदाहरण है मल्टीपल एलील का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक जीनों की वंशागति होती है और उन मतलब एक कोई ऐसी जीन जो दो से अधिक फॉर्म को कंट्रोल कर सकती है जैसे यहाँ पर जीन थी एक कैपिटल आई लेकिन इसके जो एलील्स थे जो फॉर्म थी वो तीन थी एक थी आई ए एक थी आई बी और एक थी स्मॉल आई स्मॉल आई को आई जीरो भी कहते हैं कहीं कहीं पर तब इसे मल्टीपल एलिलिज्म या मल्टीपल एलील कहते हैं ऐसे जीन को मल्टीपल एलील और ऐसी जो वंशागति है वो मल्टीपल एलिलिज्म कहलाती है यहाँ पर एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को कंट्रोल करती है उसे उस जीन को मल्टीपल एलील कहते हैं